तो दोस्तों आ चुका है योद्धा का ट्रेलर और आज की इस वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और भाई साहब क्या कमाल का कॉन्सेप्ट। खैर अभी हम आपको पूरे वीडियो का स्पॉइलर शुरू में ही नहीं देंगे, स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी आज की इस वीडियो में मिलेगा। तो हाँ वीडियो को पूरा इत्मीनान से अंत तक देखना। सबसे पहली विशेषता आप जान लीजिए, ये फिल्म जो है ना हाई कॉन्सेप्ट मिड एयर एक्शन थ्रिलर मूवी होने जा रही है। अब देखो हम 90% श्योर है कि हमारे बहुत सारे भाइयों ने, मतलब हिंदुस्तान में बहुत कम बार हुआ है, तो हमको नहीं लगता है आपने इस तरीके की फिल्म पहले कभी देखी होगी, मिड एयर एक्शन थ्रिलर वाली मूवी। अब देखो बात करें अगर सिद्धार्थ मल्होत्रा के बारे में तो उनके फिल्मों के बारे में क्या ही कहना। मतलब आज से ठीक कुछ दिन पहले आपने देखा होगा किस तरीके से शेरशाह फिल्म लेके आए थे और भाई साहब पूरे हिंदुस्तान की जनता वो लास्ट सीन देख के रो दी थी। और उस तरीके का ही सुपर हिट फिल्म देने का प्लान जो है वो इस साल नए साल में भी है और उस फिल्म का नाम है योद्धा, जो आपको जरूर देखना चाहिए। देखिए आज से कुछ दिन पहले इस फिल्म का टीजर आया था और सच पूछिए तो इतना ज्यादा कमाल का लगा था टीजर कि क्या ही बताना। और हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि और कुछ बम्पर धमाका आएगा ट्रेलर में, और सच पूछिए तो उम्मीद पे एकदम खरा उतरना जिसको कहते हैं वो हुआ जब हमने इस फिल्म के ट्रेलर को देखा। भाई साहब क्या सीन डाले हुए हैं इसमें, मतलब क्रिकेट की भाषा में समझिए ट्रेलर ने ऐसा सिक्स मारा है ना पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री में कि सीधे गेंद छक्का गया है। अब देखिए यहाँ पे आपको एक कमाल की बात बताते हैं, हम ऐसा नोटिस करते हैं आप करते हैं कि नहीं हमको नहीं पता। अब जैसे बॉलीवुड कोई फिल्म बनाता है तो उसका ट्रेलर जाके देखिए, बहुत मजेदार होगा तो टीजर में उतना मजा नहीं आएगा। अगर टीजर कमाल का हुआ तो ट्रेलर में कहीं ना कहीं फीकापन जरूर नजर आएगा, लेकिन यहाँ पे जो योद्धा ने किया है भाई साहब, सच में इस फिल्म का नाम एकदम परफेक्ट है, योद्धा। हर जगह लोगों के मन को मोह ले रहे हैं अपने लड़ाई वाले पावर को, योद्धा वाले ताकत को दिखा के। अब देखो बात जबरदस्त की हो रही है तो एक और कमाल की बात बता रहे हैं, और भाई साहब क्या मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। नहीं नहीं आज से पहले कभी देखे थे मिड एयर ट्रेलर लॉन्च? हाँ इस फिल्म में वही हुआ है, करण जौहर साहब मौजूद हैं फ्लाइट में और बीच आसमान में, मतलब बीच हवा में इन्होंने ट्रेलर को रिलीज कर दिया कि लीजिए हम एक और हिस्ट्री क्रिएट करेंगे मिड एयर ट्रेलर लॉन्च। मतलब सबसे ज़्यादा तारीफ तो हमको उसका करने का मन कर रहा है जो इस प्लान को किया होगा कि चलिए धरती पर तो सब लोग करते हैं, हम लोग आसमान में करते हैं। अरे वाह, चलिए इतना कमाल कमाल की चीज़ों के बारे में बात हो रहा है तो सिद्धार्थ मल्होत्रा के एक्शन सीन को कैसे नज़रअंदाज किया जा सकता है। आप देखिए उस ट्रेलर में जिस तरीके से सिद्धार्थ मल्होत्रा ने उसमें एक्शन किया है ना भाई साहब, एक एक चीज पे डिटेल में ध्यान रख के जिस तरीके से उस ट्रेलर में फाइट सीन दिख रहा है ना भाई साहब, काबिले तारीफ। और भैया जी अगर सिद्धार्थ मल्होत्रा डायलॉग बोल रहे हैं और सुनने वाला अगर मेरे जैसा है तो भाई साहब दीवाना हो जाते हैं हम उनके डायलॉग को सुन के। और इस फिल्म में उस चीज पे भी वो खड़े उतरे हैं, डायलॉग भी एकदम परफेक्ट, कहते हैं ना परफेक्ट डायलॉग डिलीवरी एकदम सिद्धार्थ मल्होत्रा पे फिट बैठता है इस योद्धा फिल्म में। देवी और सज्जनों बात करें अगर सिद्धार्थ मल्होत्रा की एक्टिंग के बारे में तो इनका लोहा पूरा बॉलीवुड मान चुका है। कब? जब उन्होंने देखा था शेरशाह। मतलब आप समझने की कोशिश कीजिए, वो बंदा जब एक्टिंग करता है ना तो लगता है कि दिल से एक्टिंग कर रहा है। और जब हमने योद्धा का ट्रेलर देखा और इस बंदे का एक्टिंग का स्किल देखा, आप भी एक बार, मतलब मेरी बातों पर क्यों विश्वास कीजिएगा, आप जाइए एक बार ट्रेलर देखिए और फिर आप इस वीडियो के नीचे आके कमेंट कीजिएगा कि आप उनके एक्टिंग के कितने दीवाने हैं। हमको लगता है 100% दीवाने एक्टिंग के, फाइटिंग सीन के और उनके डायलॉग डिलीवरी के जरूर हो जाएंगे आप। दोस्तों इन सब को देखा जाए तो सच में बॉलीवुड का लेवल बढ़ रहा है और अच्छा खासा बढ़ रहा है। पिछले साल जिस तरीके से बॉलीवुड ने आग लगाया था पूरा इंडस्ट्री में और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को एकदम भर भर के पैसा दिया था, 2024 में भी बॉलीवुड शांत नहीं रहने वाला है, एकदम तहलका मचा के रख देगा बॉलीवुड। और बात करें रीजनल लैंग्वेज की फिल्मों की तो बॉक्स ऑफिस पे बहुत अच्छा कर रहा है ये सब फिल्में। तो देवी और सज्जनों अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि शेरशाह के अपार सफलता के बाद सिद्धार्थ और करण जौहर की एक बार फिर से जोड़ी जो है वो बहुत ज्यादा कमाल करने वाली है। और हाँ हमको ऐसा अंदेशा लग रहा है कि ये जोड़ी रुकने वाला नहीं है, बहुत दूर तक जाएगा बॉलीवुड में। खैर इस पे आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।